बिना दवाई का पेट का विकार जो है उसका इलाज करना, इसके बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूँ। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये बीमारी लेके काफ़ी लोग मेरे पास में आते हैं, और इसमें ये सिंड्रोम में एक तो उसको लेटरिन बार बार होती है, लेटरिन होती नहीं है, अपचन होता है, भूख नहीं लगती, पेट में दर्द होता है, और फिर उनको पेट में ढकार आ जाना या पेट फूल जाना, हिचकी लगना, फिर एसिडिटी होना, ऊपर एसिड बार 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 ऊपर आके छाती में जलन हो जाना, वो हिचकी लग के फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा हिचकी लग के फिर पेट दर्द कर देना, बिना हिचकी का भी पेट दर्द करता है, पेट फूल जाता है, और इतना मतलब उसको जी मचलाना भी होता है, कभी कभी उल्टी भी होती है, इतना उसका पेट फूल जाता है कि उसको वो सहन नहीं किया जाता। वो तो बोलता है कि एक आधे बार फ्रैक्चर होगा तो चलता है, कम से कम फ्रैक्चर को प्लास्टर लगा देंगे, वो जब हील होगा तब होगा, ये पेट दर्द, ये पेट फूलता है, और पेट फूलने के बाद में जो इतना अनइजीनेस होता है उसके जरिए बहुत पेशेंट को तकलीफ होती रहती है। अब ये जो लोग हैं ये सब तरह घूम के फिर मेरे पास में आते हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो पेट के पेट विकार तज्ञ जो है उनके पास में एंडोस्कोपिक कोलोनोस्कोपिक सब स्कोपीज सब स्कैंस सब ट्रीटमेंट सब इन्वेस्टिगेशन सब करके एंडोक्रेनोलॉजिस्ट के पास में जाएंगे, फिजिशियन के पास में जाएंगे, और जब सब लोग बोलते हैं इसमें कुछ भी हमको मिला नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया, फिर वो आते हैं साइकेट्रिस्ट के पास में। वो भी कोई फिजिशियन भेजता नहीं है, उनको ऐसा लगता है जब कोई बोलता है आप सोचते ज़्यादा हो, सोचा मत करो, तो फिर हमारे पास में पेशेंट आते हैं। अब इसके लिए मैं भी दवा देता हूँ, मगर हमारा ज़्यादा जो जोर रहता है वो बिना दवाई का इलाज करने पर रहता है, कि बिना दवाई का इसका इलाज करना, क्योंकि इरिटेबल बाउल या पेट में जो पाचन संस्था में जो तकलीफ हो रही है, पेट में जो तकलीफ हो रही है वो भले ही पेट फूलने की होंगी, एसिडिटी की होंगी, अपचन, फूकना लगना, मतलब कुछ भी होगा इसमें से, तो उसके लिए ज़रूरत यह है कि भाई ये चालू कैसा हो, इसका सोर्स क्या है। सोर्स हम जब देखते हैं तो सोर्स यूजुअली बचपन में कुछ तो भी हुआ रहता है, बचपन में कुछ तो भी हुआ, मतलब बचपन में कुछ तो भी दिमाग को चोट पहुंच रही थी, कुछ तो भी दिमाग में इनकम्प्लीशंस है, अपूर्णता, अपूर्ण दिमाग में है, कुछ तो भी चालू रहता है, किरकिर किरकिर किरकिर, टेंशन लेने की आदत ये लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है, ये लोग बहुत निगेटिव थिंकिंग करते रहते हैं, ये गुस्सा ज़्यादा करते रहते हैं, या फिर उनको दुख, बहुत छोटी छोटी बात के ऊपर दुख आ जाता है, चिड़चिड़ा आ जाना, एकदम मतलब अंगार फेंकना जैसा लोगों के ऊपर, मतलब इस तरह का उनका व्यक्तिमत्व रहता है, और कुछ तो भी बचपन में हुआ रहता है। हो सकता है कि बचपन में उन्होंने कुछ झूठा काम किया हो, मार्कलिस्ट के ऊपर पिताजी की झूठी सही करके वो मार्कलिस्ट वापस दिए होंगी स्कूल में, और फिर बहुत मार खाया होगा जब पकड़े गए तब, या घर में झूठ बोला होगा। इनमें कुछ सेक्स का प्रॉब्लम बचपन रहता है कि भाई लैंगिक अत्याचार बचपन में, छेड़खानी हुई, मतलब छोटा बच्चा था तो उसके ऊपर किसने कुछ अत्याचार किया, लैंगिक अत्याचार किया, या सेक्स किया, या सेक्स करने की कोशिश किया, या माँ बाप के साथ में अधूरापन। अधूरापन इसका मतलब यह होता है कि माँ के बारे में गुस्सा कि उन्होंने मेरी परवरिश बराबर नहीं की, या पिताजी के बारे में गुस्सा उन्होंने मेरी परवरिश बराबर नहीं किया, पिताजी के बारे में बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा धौस ऐसी, या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग या गुस्से वाले पिताजी। तो इस तरह का बचपन में मतलब क्या तनाव हो गया, क्या स्ट्रेस हो गया, माँ के साथ में, पिताजी के साथ में क्या अधूरापन है, वो देख के काउंसिलिंग फिर करना पड़ता है। हमारे पास में एक टेस्ट, हमने एक डिज़ाइन की रिसर्च करके, उसमें काफ़ी सारे सवाल जवाब है, जहाँ से हमको व्यक्तिमत्व कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके बारे में हमको जानकारी होती है, और फिर हम ज़्यादातर फैमिली को बुलाते हैं साथ में बैठ के, फिर फैमिली का काउंसिलिंग, पेशेंट का काउंसिलिंग करते हैं, और फिर इसका इलाज हम करते रहते हैं। मेडिटेशन, सम्मोहन उपचार, साइकोथेरेपी, मानसोपचार या काउंसिलिंग, इसके जरिए ये पेशेंट का इलाज होता है। बहुत ज़्यादा ये तकलीफ है फिर हम दवाई देते हैं, मगर दवाई ज़्यादातर जो उसको चल रही है वो पहले बंद करने के लिए बोलते हैं कि पहले ये बंद करो, और फिर मेडिटेशन, सेल्फ हिप्नोसिस, स्वसम्मोहन उपचार, मेडिटेशन, इसके जरिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत रिलैक्स हो जाता है। ये यदि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS या पाचन संस्था के जो विकार है या जो भी पेट के विकार है ये ठीक नहीं हुए तो आगे चल के ये डिप्रेशन में कन्वर्शन इसका हो जाता है, ये डिप्रेस हो जाते हैं पेशेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, काम धंधा नहीं होता, बराबर काम पे जा नहीं सकते हैं, हरदम बीमार बीमार रहते हैं, फिर उसका कन्वर्शन डिप्रेशन में हो सकता है। तो इसलिए इनका इलाज करना ज़रूरी है, और इलाज शांति से, आराम से, काउंसिलिंग करके, अंदर क्या दबा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या दबा हुआ है, ये कहाँ से आ रहा है, सबकॉन्शियस माइंड ने पेट को क्यों चुन लिया,
ये बीमारी के लिए। सबकॉन्शियस माइंड जो है कभी हार्ट को चुनता है तो उसको अटैक आ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड कभी चमड़ी को चुनता है तो खुजली आती है, सोरियासिस होता है। सबकॉन्शियस माइंड यदि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को चूसता है तो चूज करता है तो फिर ब्लड प्रेशर आता है। तो ऐसे अलग अलग विकार सबकॉन्शियस माइंड के जरिए आते रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में पाचन संस्था को क्यों चूज़ किया ये जानकारी भी लेना जरूरी रहती है। तो इस तरह हम इलाज का इलाज करते हैं तो पेशेंट अच्छा हो जाता है और वो अच्छा जीवन जी सकता है। आप एक तो यहाँ अकोला में आ सकते हैं और अकोला में आके इसका इलाज और फैमिली के साथ में आए तो बहुत ही अच्छा इसका इलाज हम करते हैं, या फिर ऑनलाइन काउंसिलिंग कर सकते हैं। नीचे नंबर हमने दिए हैं उसके ऊपर ऑनलाइन काउंसिलिंग संभव है, और ऑनलाइन काउंसिलिंग करके भी लोग अपना अपना इलाज कर लेते हैं। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल हैं जिसमें रिश्तेदारों के साथ में, रिश्तेदारों के अलावा हम भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं लोगों का। तो हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। इसमें आप भी पांडर बन जाएंगे, क्योंकि हमारा एजुकेशन करना लोगों का बहुत बड़ा मकसद है कि लोगों को एजुकेट करो। तो आप ये वीडियो लोगों को शेयर करो और उसके जरिए हम आपको पार्टनर बना सकते हैं और बनाने की इच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।